ट्वेंटी सेवेंथ ऑफ मे की एनर्जी कैसे रहने वाली है फ्राइडे तक पहुंच गए हम वीक बहुत है, बहुत हैपनिंग लग रहा है मुझे सो ओके रॉन्ग कार्ड सो यू फॉर रिमाइंडिंग ओके सो लेट्स सी ट्वेंटी सेवंथ की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है सो so, ट्वेंटी of ऑफ मे ट्वेंटी ट्वेंटी टू गाइड्स एंजल्स वट इज द एनर्जी लाइक वट इज गोइंग टू है एनर्जी लाइक वट इज गोइंग टू है ट्वेंटी सेवेंथ ऑफ मई ट्वेंटी ट्वेंटी टू मई ट्वेंटी क्या होने वाला है क्या हमें पता होना चाहिए किस तरह की एनर्जी है <coughs> 27, तीन अलग डायरेक्शन में कार्ड्स आए हैं मतलब दिस इज अमेजिंग टू सी कि एक्चुअली कार्ड्स जो हैं वो सब अलग अलग डायरेक्शन में गिरे हैं और लेट मी टेक ऑल ऑफ द कार्ड्स तो लेट्स सी ओके आई हैव द डेविल ऑल्सो वाओ ओके सो पहला ही कार्ड जो है वो डेविल एनर्जी का कार्ड आया है और यू सी द डेविल, डेविल अपनी डेन में जो है बैठा हुआ है डेविल की बैक जो है वो की बैक से आपको यहाँ पे दो डेविल या डेविल के जो चमचे हैं जो डेविल के सर्व करने वाले हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे हुई हं, एक एंग्री है एक हंस रहा है ऐसा लग रहा है जैसे एंड दे आर अबाउट टू अटैक ऑन दीज टू पीपल जिनको डेविल ने चेन किया हुआ है और यहाँ पे डेविल की पीठ आपको दिखाई दे रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो डेविल के भागने की एनर्जी है पीठ दिखाने की एनर्जी है और और दूसरा यहाँ पे जो जो मेल और फीमेल यहां पर हैं ये लगभग ऑलमोस्ट डेवल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुके हैं बिकॉज अगर आप देखें तो इनके दोनों की पूंछ जो है आपको दिखाई देगी एक की पूंछ पे आग है एक की पूंछ पे किसी तरह का फ्रूट है और दोनों आपको उस तरह से दिखाई देंगे लेकिन यहां इफ यू सी वो दोनों जो डेवल एनर्जी के साथ बंधे हुए थे दे आर फ्री और देर आर फ्री वर्ड्स दे आर फ्री बर्ड्स और वो दोनों एक दूसरे के साथ अलग तरह से अलग एनर्जी में कनेक्ट हो रहे हैं और वहां से अगर आप देखें तो यहाँ पे यू सी एन एनर्जी ऑफ टेन अगेन अ हैप्पी होम और एक एनर्जी जहां पे uh, कोई दरवाजे पे बैठा हुआ है और <laughs> दो लोग जो है वो आपस में बात कर रहे हैं एक बच्चा है यहाँ पे एक डॉग है यहाँ पे खिड़कियां खुल चुकी है सो एन एनर्जी जहां पे ग्रोथ uh, कंप्लीशन और uh, थोड़ी सी पावर की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है बट काइंड ऑफ कमिंग बैक टू योर होम की एनर्जी और यहाँ पे अगर आप देखें सेवन ऑफ पेंटिकल बहुत सारे वेट के बाद फाइनली इसके फ्रूट जो है वो आ चुके हैं इस झाड़ी पे अभी भी वो वेट कर रहा है एक फ्रूट इसके पैरों के पास है देर इज एन एंजल जो ऊपर आसमान पे या देर इज अ सोल जो ऊपर आसमान पे फ्लाई कर रही है एंड शी इज ऑल्सो लुकिंग एट एवरी और यहाँ पे अगर आप देखें लास्ट तो की एनर्जी है ये जो वॉरियर है हाँ लेटा हुआ है रेस्ट कर रहा है, है. राइज हो रहा है और यहाँ पे दो लोग हैं एक बहुत ओल्ड पर्सन और दूसरा थोड़ा सा अपना कवर्ड uh, में है एनर्जी और दिस टू आर दिस पर्सन इज लुकिंग सैड दिज टू आर एक्चुअली लुकिंग सैड वो इसको देख रहे हैं बट देर आर See, these are not, but there is a butterfly. There is a butterfly. There is a butterfly. I felt that. दिस इज लाइक अ ड्रैगन फ्लाई बट या बटरफ्लाई और ड्रैगन फ्लाई एनर्जी है विच मीन्स ऑलरेडी द रिवाइवल हैज हैपेंड या ऑलरेडी जो रिन्यूवल है वो हो रहा है और uh, आप जितना भी प्रोटेक्ट uh, करने की कोशिश करें रोकने की एनर्जी uh, लगाएं वहां पे या सैडनेस की एनर्जी लगाएं द वॉरियर इज कम्पलीटली डिटरमाइंड एंड गेटिंग फाइन और बेटर uh, और ये जो एनर्जी है इसका भी मैं आज अभी एक स्टोरी कार्ड निकालूंगी क्योंकि मुझे यहाँ पर भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे वी नीड टू नो द क्रक्स ऑफ द द uh, डे uh, जिस तरह की एनर्जी है क्योंकि ये फिफ्टीन uh, का है तो नंबर सिक्स बनता है सिक्स प्लस टू एट की एनर्जी बनती है यहां पर टेन है और यहां पर सेवन प्लस फोर इलेवन है सो so एट टेन और इलेवन और टोटल जो है वो भी इलेवन की एनर्जी बन रही है तो एनर्जीज मुझे पावरफुल लग रही है मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप किसी भी चीज में स्टक थे अगर आप किसी भी चीज़ में अपने आप को स्टक फील कर रहे थे मूवमेंट नहीं हो रही थी आपको लग रहा था कि ये भी नहीं हो रहा है वो भी नहीं हो रहा है हेड या पोजेसिव या कहीं आपको कोई रिलेशनशिप में इशू था कुछ मेजर इशू आपकी लाइफ में चल रहा था तो वो इशू जो है रिजोल्व होगा एक कनेक्शन जो है बनेगा एक पीस जो है वो आएगी मुझे हैप्पीनेस या पेशेंस रिजल्ट जो है पेशेंट्स के रिजल्ट जो है वो मिलने की एनर्जी भी दिखाई दे रही है यू आर वॉश्ड ओवर तो वो एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है और लास्ट में एक तरह से मेडिटेशन की एनर्जी अपने आप को बैलेंस करने की एनर्जी और आ, हील होने की एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है दिस पर्सन माइट बी सिक फ्रॉम अ ये बहुत समय से हो सकता है इस जगह पे लेटा हुआ हो और ये लोग जो दो है ये इसको देखने आए हैं ये उदास हैं लेकिन दे आर नॉट अवेयर दैट वो पर्सन जो है वो ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म हो चुका है ठीक हो चुका है और सही एनर्जी में दिस पर्सन इज नॉट डेड क्योंकि उसके हाथ जो है वो जुड़े हुए हैं तो वो प्रेम

और ओके सो वी ऑलरेडी हैव द स्टोरी और क्रक्स ऑफ वाओ व्हाट इज हैपनिंग गाइस वी हैव किंग ऑफ वन्स फिनिक्स राइजिंग अगेन सो आई थिंक दैट दिस एनर्जी ऑफ फिनिक्स राइजिंग इज कंटिन्यूइंग एंड जब मैं बोल रही हूँ कि ये एनर्जी फिनिक्स राइजिंग की कंटिन्यू हो रही है तो इसका मतलब है कि कहीं Uh, वो सिचुएशन जो है कंटिन्यू हो रही है जहाँ पे ऑलरेडी पिछले हफ्ते के बीच में जो एक्शंस हुए हैं उससे मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को हो सकता है कि कैप्टिव um, हो हो सकता है कि किसी तरह की किस स्टक एनर्जी में हो कुछ लोगों को छुड़ाना कुछ लोगों का सामने आना कुछ चीज़ों का कंप्लीट होना वो मुझे दिखाई दे रहा है थोड़े से पेशेंस की जरूरत पड़ेगी अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा बैलेंस करना मेडिटेट करना रेस्ट करना जो है जरूरी रहेगा लेकिन उसके साथ में मुझे एक एनर्जी जो है वो बहुत अलग तरह से मूवमेंटम एक बहुत अलग तरह होता हुआ दिखाई दे रहा है और अगर मैं इसको दूसरी तरफ ले जाऊं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे दरवाजे पे ये पर्सन जो है दाढ़ी वाला ग्रीन एनर्जी में बैठा हुआ है लेकिन खिड़कियां खुली हुई हैं सो मुझे ऐसा लगता है कि कोई और रास्ता खुलना चीजों को करने का या कोई और रास्ता खुलना डेवल तक पहुंचने का वो मुझे दिखाई दे रहा है एक सोल कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है और पेशेंस uh, जो है वो बहुत हेल्प करने वाले हैं लेकिन रिवाइवल की एनर्जी है अनडाउटेबली ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है अनडाउटेबली फिनिक्स राइजिंग की एनर्जी है वॉट बेटर कैन आई से और uh, अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करें सबके साथ शेयर करें फीडबैक जरूर दें जो जो हो रहा है जो नहीं हो रहा है वो वीडियोज में लिखें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है आपको क्या लग रहा है और uh, उसके साथ में अब बात करेंगे ट्वेंटी की एनर्जी की सैटरडे पे हम पहुंच चुके हैं और दो दिन बाकी है हैं, लेकिन धमाकेदार दिन लग रहे हैं सारे सो लेट्स सी कि ट्वेंटी एट की एनर्जी जो है वो किस तरह की रहने वाली है